बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इसी देखिए हियर फ्रॉम केटीपी। वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6 इन द एक्सरसाइज 21.1। इस फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के वेरिएबल्स की पावर्स सेम हैं। अगर पावर्स सेम हों या न्यूमिरेटर के वेरिएबल्स की पावर्स बिगर हों, बड़ी हों, तो ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा, और उसके लिए हम करने जा रहे हैं डिवाइड। गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें नीचे एक्स स्क्वायर ही चाहिए। तो इस डिवाइजर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल जाए? यकीनन हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल पाएगा। तो इस पूरे डिवाइजर को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यही टर्म्स मिलेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। माइनस करने के लिए साइन चेंज की जाती है, इसकी साइन प्लस है, माइनस कर दीजिए, इसकी माइनस है, प्लस कर दीजिए, इसकी भी माइनस है, प्लस कर दीजिए। एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड बाय एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े कोएफिशिएंट की, सो हियर वी आर लेफ्ट विद एक्स। नाउ लुक, माइनस प्लस माइनस, हियर वी आर लेफ्ट विद 11। टारगेट अचीव्ड। इन तीनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर लिख दीजिए। होल नंबर है हमारे पास 1। यहां पर आपने प्लस का साइन ही लगाना है, ये नीचे लिखेंगे, और x माइनस 11 यहां पर लिखेंगे। अब आप होल नंबर को ड्रॉप कर दीजिए और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को यहां पर कॉपी कर लीजिए। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। नाउ न्यूमेरेटर को एज इट इज कॉपी कर लीजिए, और डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम करेंगे फैक्टराइज बाय मिडल टर्म मेथड। x माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस एंड हेयर माइनस 3। मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड, सो वी हैव हेयर माइनस 3x एंड हेयर वी हैव टू पुट प्लस x, माइनस प्लस माइनस, और माइनस करने से 2 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, न्यूमिरेटर एज इट इज एक्स माइनस 11 ओवर, आइए पेयर्स बनाकर कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन है, सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स माइनस 3 एंड हेयर कॉमन इज सिंपली 1, सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप, एक्स माइनस 11 एक्स माइनस 3, ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन हैं, इन्हें हम एक मतलब लिखेंगे, एंड एक्स प्लस 1।
सो फैक्टराइजेशन इज डन। तो हमें कितने फैक्टर्स मिले हैं? टू फैक्टर्स हैं। इट मीन्स हम टू कॉन्स्टेंट्स सपोज करेंगे, ए और बी। अगर यहाँ पर थ्री फैक्टर्स होते तो हम थ्री कॉन्स्टेंट्स सपोज करते, ए बी सी। तो आइए फर्स्ट कॉन्स्टेंट हम सपोज कर लेते हैं ए, एक्स माइनस थ्री। याद रहे यहां साइन प्लस बी की आएगी। द सेकेंड कॉन्स्टेंट हम सपोज करते हैं बी को, एक्स प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, लिहाजा एलसीएम के तौर पर इन्हें अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन से, और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस थ्री से। डिनोमिनेटर्स कैंसिल्ड बाय द डिनोमिनेटर्स। यहां पर हमारे पास बचा एक्स माइनस इलेवन। एंड हियर वी आर लेफ्ट विद ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस थ्री। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यूज ए की और बी की। तो पहले आइए हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस टर्म को कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा, लिहाजा अगर हम एक्स की वैल्यू प्लस थ्री सपोज कर लें तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो बी से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही रह जाएगा। सो लेट्स गो फॉर इट। एक्स की वैल्यू सपोज करते हैं प्लस थ्री। तो जहाँ जहाँ पर एक्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पर थ्री लिख देते हैं, थ्री माइनस इलेवन इक्वल्स ए थ्री प्लस वन प्लस बी थ्री माइनस थ्री। प्लस माइनस माइनस, सो वी आर लेफ्ट हियर विद माइनस एट। ए थ्री प्लस वन फोर, एंड हियर बी प्लस माइनस माइनस जीरो, माइनस एट इक्वल्स मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर ए, एंड हियर वी हैव जीरो, सो लीव इट। नाउ फोर और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फोर को शिफ्ट करते हैं, फोर यहां आकर के एट को डिवाइड करेगा, फोर वन जा फोर, फोर टू जार एट। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए, इट्स माइनस टू। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं द वैल्यू ऑफ बी, और बी की वैल्यू के लिए हमें इस पूरे टर्म को डिलीट करना होगा। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट कर दें तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा और हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। जहाँ जहाँ पर एक्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हम माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन माइनस इलेवन इक्वल्स ए
माइनस वन प्लस वन प्लस बी, ब्रैकेट्स में एक्स की वैल्यू हमने सपोज की माइनस वन एंड माइनस थ्री। नाउ लुक, माइनस माइनस प्लस, सो वी गेट माइनस ट्वेल्व हियर। And here we get 0 plus b minus minus plus, so we get minus 4. Minus 12 equals, यहाँ 0 हो जाएगा, we don't need to write it, plus minus minus 4 b माइनस कैंसिल्ड बाय माइनस 4, यहां पर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आकर के 12 को डिवाइड करेगा, फोर वन फोर फोर थ्री आर 12, we have got the value of b, it's 3. अब आप ऊपर से इक्वेशन 1 यहां पर कॉपी आउट कर लीजिए, दिस 1 comes as it is plus इसकी वैल्यू आपने आफ्टर फैक्टराइजेशन बनाई थी, लेट मी शो इट टू यू, हियर इट इज, वी हैव टू टेक इट डाउन, ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। आइए ए और बी की वैल्यूज देखते हैं, ए की वैल्यू है माइनस 2 एंड बी की वैल्यू है 3। याद रखिए इस 2 के साथ माइनस की साइन है, माइनस प्लस माइनस, सो वी हैव टू राइट हियर वन होल, ए की वैल्यू माइनस 2, सो माइनस प्लस माइनस, और ए की वैल्यू 2 है, एक्स माइनस 3 एज इट इज प्लस बी की वैल्यू 3 है एंड है ऑल्सो एक्स प्लस 1 एज इट इज, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट फुली वेल, थैंक यू।